बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर हर बार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर सामने आती है। बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस का नाम रानी मुखर्जी है। रानी मुखर्जी एक सफल अभिनेत्री हैं और उनका जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था। रानी का फिल्मी परिवार से बहुत ही गहरा नाता है। उनके पिता राम मुखर्जी बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रहे हैं और उनकी माँ कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर थीं। पहली बार रानी मुखर्जी को 16 साल की उम्र में 1994 में डायरेक्टर सलीम खान बॉलीवुड फिल्म आ गले लग जा के लिए लीड किरदार ऑफर कर चुके थे, लेकिन रानी के पिता ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी आपकी फिल्म करने की उम्र नहीं है, जिसके बाद ये फिल्म उर्मिला मातोंडकर को ऑफर कर दी गई। रानी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात से की। हालांकि ये फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन रानी ने अपने संजीदा किरदार के लिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1998 में रानी मुखर्जी के करियर के लिए महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। इस साल उन्हें आमिर खान के साथ गुलाम और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है में काम करने का अवसर मिला। दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। कुछ कुछ होता है के लिए रानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। रानी मुखर्जी ने काफ़ी दिनों तक आदित्य चोपड़ा से रिलेशनशिप में होने की बात को छिपाकर रखा था। इससे पहले रानी मुखर्जी का बहन काजोल, ऐश्वर्या राय, विवेक ओबराय और जया बच्चन के साथ कोल्ड वार चलता था। रानी को ये स्टार्स फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। 2005 में प्रदर्शित फिल्म बंटी और बबली रानी के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म थी। यश राज बैनर तले बनी इस फिल्म के जरिए रानी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी ने दर्शकों को अपने कारनामों के जरिए हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। इस फिल्म के बाद से ही अभिषेक और रानी के अफेयर्स के चर्चे जोरों पर चलने लगे। उस वक्त खबरें थी कि रानी अभिषेक की शादी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद एक ऐसे सितारे का नाम आया जिसका किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में नाम अब तक रानी के अलावा कहीं नहीं जुड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। गोविंदा का नाम अब तक कहीं भी नहीं जुड़ा था, लेकिन जैसे ही रानी के साथ उन्होंने फिल्में की, उसके बाद उनका भी नाम जुड़ना शुरू हो गया। अभिषेक के अलावा उनका फेयर गोविंदा के साथ भी रहा, ऐसे कहा जाता है। उस वक्त गोविंदा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर रानी के साथ रहने लगे थे और पत्नी सुनीता ने तलाक के साथ आधे से ज़्यादा जायदाद मांगी, तो गोविंदा ने रानी को छोड़ने में भी खुद की भलाई समझी और रानी को छोड़ अपने घर लौट गए। अब आपको बता दें कि दरअसल रानी के फ्लैट पर गोविंदा बाहर निकलते हुए एक फोटोग्राफर को दिख गए थे और फोटोग्राफर ने उनकी वो पिक निकाल ली थी, तो उस दरमियान उन्होंने फोटोग्राफर को मुंह मांगी, कीमत दी थी उस तस्वीर की, लेकिन उस फोटोग्राफर को उससे भी मन नहीं भरा, तो उसने ये तस्वीर उनके घर तक पहुंचा दी। उसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा था, तो ये रिश्ता नहीं चल पाया और आखिरकार रानी का और गोविंदा का भी ब्रेकअप हो गया। रानी आज बेहद खुश हैं अपने जीवन में और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती रहीं। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।